I said, baby, please, please. Or in front of. Tell her, please. Please, please, please. Yeah, hi friends, this is Dhruv. एंड आज मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो लेकर. साथ ही साथ इससे पहले आप देख रहे हैं कि एक प्यारा सा डॉग है जिसे हम लसा अप्सो के नाम से जानते हैं एंड उनके ओनर हमारे साथ हैं मिस्टर पवन. हेलो सर. एंड मिस्टर मिसेस शिल्पी सॉरी. हेलो मैम. सबसे पहले मुझे इसका नाम और इसका एज बताइए कितना है. शीरो. सो सबसे पहले मुझे इसकी कुछ स्पेशलिटीज बताइए. क्या है इसकी स्पेशलिटीज. ये इंडिपेंडेंट है काफी. स्पेशलिटी है इसकी. okay. और इंडिपेंडेंट है और लविंग बहुत है ये. ऑलराइट. ही लव्स एवरीवन और किड्स को भी प्यार करता है. मतलब इसको गुस्सा बहुत कम आता है. जैसे हमने से भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा है. तो बहुत कूल गया है. ओके 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 ओके. एंड व्हाट अबाउट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर्स. मतलब हैबिट्स क्या-क्या हैं. पॉजिटिव एक्चुअली नेगेटिव बहुत ही कम है. पॉजिटिव में मतलब बहुत प्यार करता है हम लोगों को. बात मानता है सारी. सो वो एक इसका है पॉजिटिव कि जैसे कई डॉग्स होते हैं कि मतलब बात नहीं मानते कई बार कुछ चीज़ों को लेके. पर ही ऑलवेज लाइक फॉलो करता है हम लोगों को कि हम जो भी बोलेंगे इसको. और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको हम लोगों ने जब छोटा था तो बचपन से थोड़ा ट्रेन किया था कि अगर कुछ इसको चाहिए या इसको कहीं जाना है या कुछ सामान इसको अगर लेना है तो ये हमारे पास आके अपने आप बताता है कि मुझे ये चाहिए और ये लेना है. और मॉर्निंग का इसका रूटीन रहता है हमेशा कि 6 o'clock अराउंड 6:30 उठ जाता है. उसके बाद इसको नीचे आना है फ्रेश होने के लिए. और अगर आप नहीं उठते तो पहले तो ये हाउलिंग करेगा बुलाएगा. उसके बाद ऊपर आके फिर पूरा बेड पे लेटेगा हमारे साथ उठाएगा हमें. उसके बाद फिर ये फ्रेश होने जाता है आके फिर थोड़ा सा अपना डेली रूटीन इसका रहता है. मॉर्निंग में तो सो जाता है आके. फिर थोड़ा ट्रीट इसको चाहिए जो मतलब संडे संडेज भी आप लोगों के साथ ये रहता है सुबह 6:30 बजे से उठाता है कुछ भी हो जाए. मुझे नहीं पता है इनको ही उठाता है. अच्छा क्योंकि इसको पता है मैं इसे डांटती हूँ मुझसे डरता है तो इनको ही उठाता है. अच्छा शीरो आपने मुझे एक बात कही कि बचपन से आप लोगों ने इसे गाइड किया आप लोगों ने इसे ट्रेन किया. तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था आप लोग किस तरह से इसे कमांड दे रहे थे. एक बार आप लोग मेरे कुछ कलीग्स को दिखाना चाहेंगे किस तरह से आप लोगों ने इसे ट्रेन किया है. क्या इसकी बहुत ही बड़ी बहुत अच्छी क्यूटनेस थी. एक बार वापस करके दिखाइएगा मुझे. शीरो पीछे 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 जाओ. पहले शेक हैंड उस वाले हाथ से इससे. अच्छा इधर बैठो यहाँ पे आओ. शीरो इधर आ जाओ. शेक हैंड पहले शेक हैंड. नो प्लीज पहले शेक हैंड उस वाले से. ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं इसे ट्रीट मिल जाए. पहले शेक. नो प्लीज शीरो प्लीज. ओह और एक वन मोर टाइम प्लीज पहले प्लीज. बहुत क्यूट बहुत क्यूट. एंड कैन यू टेल मी मतलब इसका जिस तरह से मैंने देखा क्यूटनेस तो आई एम श्योर ये बच्चों के साथ तो बहुत ही फ्रेंडली है जिस तरह आपने पहले बताया. व्हाट अबाउट जो बुजुर्ग होते हैं या घर पे जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके साथ इसका क्या नेचर होता है. एक टाइम स्मेल करता है ये बाकी ऐसा कुछ नहीं है किसी को. हाँ पता नहीं है इसे कोई स्ट्रेंजर आया है तब थोड़ा सा करता है. बस स्मेल करता है फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है. ओके मतलब ही इज नॉट एग्रेसिव. चाहे कोई गेस्ट भी आता है उनके साथ भी काफी फ्रेंडली रहता है. सो यू कैन सजेस्ट कि वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट ब्रीड में काफी अच्छा है. साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि इसके किस तरह से आप लोग इसे घर पे मेंटेन रखते हो. साथ ही साथ क्योंकि काफी हेरी डॉग है आप लोगों ने देखा है तो इसका मेंटेनेंस कैसा होता है. क्या एक्सपेंसेस होते हैं आप लोगों के मंथली. मेंटेनेंस तो मतलब हम लोगों ने कभी ग्रूमिंग वगैरह तो डेली होती है. वन टू डेज तो होती है. बाकी फूड वगैरह घर का ही होता है. इसका फूड घर का है. अच्छा यू गाइस प्रेफर होम फूड. ओके ओके. एंड व्हाट अबाउट मंथली एक्सपेंसेस. मंथली एक्सपेंसेस कभी एक्चुअली तो ट्राई नहीं किया हम लोगों ने कि मतलब कैलकुलेट करें. बट ट्रीट्स वगैरह थोड़ा ज्यादा है इसका. अदरवाइज तो कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है. ट्रीट्स हम लोग मतलब मंथली तो नहीं है. दो तीन मंथ्स का एक स्टॉक ऐसे रखते हैं हम लोग. ओके ओके. सो इसको ट्रीट्स बहुत कम देते हैं. ज्यादा से मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस के लिए निकलता होता हूँ और एक बार रात को अराउंड 3000 इतना होगा. 2-3000 इज समथिंग व्हिच इज अ नॉर्मल एक्सपेंसेस फॉर एवरीवन. सो अब उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो फर्स्ट टाइम या ऐसी टॉय ब्रीड्स प्रेफर करना चाहते हैं जो उनके साथ फ्रेंडली हो. तो उनके लिए किस तरह से क्या एक्सपीरियंस रहेगा कैसे मेंटेन करना होगा. लासा एप्सो थोड़ा हमने जब स्टडी किया था तो ये बॉसी होते हैं. बट हमने इसको थोड़ा सा किया मैंने जैसे थोड़ा गुस्सा दिखाया इसको तो उसे ट्रेन किया. वैसे है अभी भी बॉसी अपना नहीं सुनता है तो नहीं सुनता है. बट जब इसका मन होता है तो ये आता है हमारे साथ तो ऐसे करता है. ओके ओके ओके. एंड आप लोगों के घर में सबसे ज्यादा ये बात किसकी सुनता है. सबसे ज्यादा पैम्पर कौन करता है. किससे सबसे ज्यादा प्यार करता है. क्या लगता है आप लोगों को.
प्यार तो सबको करता है, बट मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे हमारे साथ रहते हैं, बट डेथ जब हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो घर जाता है तो वहाँ भी मेरी मम्मी है और बहन है भाई, तो ये उनको जानता है, सो ये उनसे भी मतलब काफ़ी अटैच है, बट मोस्टली हम दोनों से ज़्यादा करता है बिकॉज हम लोग उसके साथ रहते हैं, बट ही इज़ लाइक सबके साथ इतना फ्रेंडली है वैसे. Okay, he is friendly. And what about आपके सोसाइटी में, जैसे आप लोगों ने बताया कि कोई भी आता है उन लोगों के साथ भी फ्रेंडली है, कोई इशू नहीं है, राइट? सो एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कि मैंने जैसे आप लोगों से अभी रिपीट क्वेश्चन किया था कि वॉट अबाउट जो लोग लेना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे कलीग हैं, व्यूवर्स हैं, वो कल हिसाब से लेते हैं, तो फर्स्ट लाते ही उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि टॉय ब्रीड होती है, लोग कहते हैं काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, हैरी डॉग्स होते हैं, तो उनके लिए लास्ट आप क्या कमेंट करना चाहोगे? एक्चुअली डॉग्स मतलब कई लोग ले तो लेते हैं, बट पहले हम लोगों ने इन डॉग्स को भी समझना चाहिए एक्चुअली ये किस ब्रीड के हैं और ये कैसे हैं. ये हम लोग जैसे होते हैं डॉग्स दूसरे होते हैं, टॉय ब्रीड थोड़ा डिफरेंट होती है उनसे. बेसिकली ये लोग जब आते हैं वैसे इनका साइज बहुत छोटा ही होता है एज कम्पेयर टू अदर डॉग्स, और ये मतलब आपको सिर्फ हेरी जितने हैं मतलब केयर तो उतनी करनी पड़ती है. अगर जैसे उसको नहलाने के लिए जो है हम लोग इसको अभी गर्मियों में हम हफ्ते में नहला देते हैं, पर कई बार होता है कि इसको मेरी दो तीन दिन में ही नहलाना पड़ जाता है. ओके. और इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको भी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ये लोग ये बता नहीं सकते हैं, तो आपको इनको नोटिस करना पड़ता है कई बार कि अगर इनको भूख लग रही है, क्योंकि छोटे डॉग जब होते हैं तो इनको इनको समझ नहीं होती कि आपको कैसे एक्सप्रेस करनी है, तो ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनको कि उस टाइम पे ये कैसे हैं. नहीं, ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्टडीज मैटर करती है, आप कौन सी ब्रीड रख रहे हो क्योंकि नॉलेज हो. तो दोस्तों ये था लहसा एप्सो की कहानी. अगर आप प्लान कर रहे हो लहसा एप्सो परचेज करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए, तो कुछ खास चीज़ें आज हमारे कुछ गेस्ट ने बताया, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. सो इसी के साथ मैं आप लोगों को विदा कहना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. एंड जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू.